अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अपनी, जो कि है कीमा करेले की। तो आप लोग का टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो ये देखें जी, ये मैंने ले लिया है कीमा, बड़े का कीमा है, और ये मैंने हड्डी वाला लिया है। ये है 500 ग्राम और आधा किलो, अगर नॉर्मल बोले तो आधा किलो, और वैसे देखें तो 500 ग्राम। ये मैंने ले लिए हैं करेले, ये मैंने लिए हैं देसी लिए हैं। क्यों देसी का ये है कि इसका कलर डार्क होता है, और इसका सबसे बड़ी बात है इसका टेस्ट रिच आएगा आप करेले कीमे के साथ जब बनाएंगे। तो इनको मैंने धो के इस फॉर्म में काट लिया है। ये मैंने लिए हैं आधा किलो और 500 ग्राम, ठीक है जी। ये मैंने ले लिया है अदरक 1.5 चम्मच, ये मैंने लिया है लहसुन 1.5 चम्मच, ये ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि कीमे की जो स्मेल होती है वो ख़त्म करने के लिए। ये मैंने लिया है धनिया, ये मैं जब इसको बनाऊंगी तो धनिया तब यूज़ करूंगी। ये मैंने लिया है हल्दी 1/2 चम्मच, ये मैंने लिया है सफ़ेद जीरा 1/2 चम्मच, नमक मैंने लिया है 1 चम्मच, मिर्च मैंने लिया है 1 चम्मच, धनिया मैंने लिया है 1 चम्मच, और सब्ज मिर्च मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद, और इसको मैंने कूट लिया है। टमाटर मैंने छोटे लिए हैं 3 अदद, और प्याज मैंने लिए हैं 2 अदद, ठीक है। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डालना है इसमें प्याज, साथ ही मैंने डालने हैं इसमें टमाटर चॉप किए हुए, सब्ज़ मिर्च मैंने डालनी है जो मैंने चॉप की हुई थी, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना है, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें आपने डाल देनी है, और सबसे भी आपने अपना कीमा जो है वो ऐड करना है। कीमा ऐड करने के बाद ये जो हमने धनिया चॉप किया होता है ये मैंने इसमें डालना है। ये इसलिए डालना है कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी कीमे की, और इसकी अपनी खुशबू के साथ ये बहुत अच्छा पक जाएगा। जब हम लोग बनाने के टाइम धनिया ज़रूर यूज़ किया करें, ठीक है जी। जी तो देखें, इसके साथ मैंने ऐड करना है 1.5 कप के करीब पानी है, मैंने इसको इसमें डाल देना है। सब चीज़ें डाल के हमने इसे पकने के लिए रख देना। ठीक है जी, इसे मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट पर हल्की आंच पे पकने के लिए रखना है। जितनी देर में मैं ये इसका टाइम पूरा होगा, जितनी देर में इसका ये इसका टाइम पूरा होगा 20 से 25 मिनट, इतनी देर में मैंने ऑयल रख लिया है साथ ही, और मैं अपने जो करेले हैं उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। लाइट ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन कर ले, डार्क करना है, डार्क करने के लाइट ब्राउन से इसका कलर जो है वो ज़्यादा सही आएगा। ये देखें जी, अभी मैं सारे करेले बीच में नहीं डाल रही, थोड़े 2 हिस्सों में मैं इसे फ्राई करूंगी। करेले की माँ ज़्यादातर हर घर में बनाया जाता है, और इसकी रेसिपी जो है वो हर जगह पे मौजूद है। तो मैंने कहा ज़रा सी सिंपल सी रेसिपी है मेरी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। ठीक है जी, 5 से 10 मिनट लगेंगे मैं इसको फ्राई करके, तो अभी वापस आती हूँ।
जी तो देखिए 10 मिनट हमारे गुजर गए और इन 10 मिनट में मैंने क्या किया, मैंने करेलों को कर लिया है लाइट ब्राउन और ये इस तरह के फॉर्म में आ गए हैं देखें। और मैं अभी आपको कीमा दिखा देती हूँ कि 10 मिनट के बाद वो कैसा है। चलो देखिए अभी कीमे में पानी मौजूद है, अभी मैंने 10 मिनट और वेट करना है ताकि इसका पानी ड्राई आउट हो जाए। हल्की आंच पे रखा है तो इसलिए ज़रा देर लगती है, तो सही से पक भी जाएगा, ये हड्डियाँ वगैरह हैं तो ये ना कुछ खींच कच्ची रह जाए। ठीक है जी, तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। जी तो देखिए 10 मिनट हमारे हो गए और मैं आपको दिखाती हूँ आपकी, ये देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई आउट हो गया। और अब मैंने इसमें ऐड करना है ऑयल, क्योंकि है हाफ कप के करीब। ये मैंने अभी ऑयल ऐड कर दिया, अब मैंने इसकी बुनाई करनी है। फ्लेम जरा सा हमने तेज कर दी है। आप इसका कलर चेक करें कितना जबरदस्त आ रहा है। पांच एक मिनट इसकी बुनाई करेंगे, उसमें जो भी बाकी चुपके जो मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। जी तो ये बाकी के मसाले हैं जो इसमें ऐड होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेथी पाउडर 1/2 टीस्पून, ये धनिया पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, ये जीरा पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, ये गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये धनिया हम लोग लेंगे गार्निशिंग के लिए, सब्ज मिर्च लेंगे गार्निशिंग के लिए, ये मैंने काट लिया वो अदरक, और ये मैंने नींबू रखा है, ये चीज़ें गार्निशिंग के लिए। ठीक है, तो अब मैं अपने ये मसाले जो हैं ये मैं कीमे में ऐड करूँगी। जी तो ये देखें, ये है धनिया पाउडर मैंने ऐड कर देना, ये जीरा पाउडर मैंने ऐड कर देना, ये गर्म मसाला पाउडर मैंने ऐड कर देना, ये मैंने ऐड कर देनी है मेथी 1/2 टीस्पून मैंने जैसे आपको बताई थी, अब मैंने इसको करना है मिक्स। दो मिनट में इसे मिक्स करूंगी और फिर मैं इसमें करेले ऐड कर दूंगी। जी तो अब मैंने इसमें ऐड करने हैं करेले। करेले ऐड करने के बाद इसे मैं 5 मिनट के लिए दूंगी दम पे रखूंगी। 5 मिनट के बाद मैं वापस आती हूँ। जी तो 5 मिनट हमारे गुजर गए हैं और दम आ गया होगा, तो चेक कर लेते हैं कीमे को। ये देखें जी, कीमा करेला हमारे बिल्कुल रेडी हो गया, ये देखिए।
माशाल्लाह तो बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो चले आप इसको मैं डिश आउट करके अभी वापस आ। ये तो देखिए कीमे करेले को मैंने कर लिया डिश आउट और आप देख सकते हैं कि कैसी इसकी लुक आ रही है। और आप चलते हैं इसकी गार्निशिंग की बारी है। तो ये मैंने धनिया लिया है, ये मैंने 2 अदद सब्ज मिर्च ले लिए, ये मैंने ले ली है अदरक, और ये मैंने ले लिया है नींबू। जी तो कीमा करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और प्रेजेंटेशन बिल्कुल इसकी कंप्लीट होगी, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों ने मेरी रेसिपी जो है वो ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि कैसी बनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। पहले भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है तो अब भी आप मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।